जिला महिला चिकित्सालय में मंगलवार को क्वालिटी इंश्योरेंस के पैरामीटर पर असेसमेंट के संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ से आई डॉक्टर सुलभा स्वरूप और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी द्वारा एक बैठक कर पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में डॉक्टर सुलभा स्वरूप ने बताया कि भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम क्वालिटी का रखा गया है, पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसके तहत सभी चिकित्सालय इससे कवर्ड किए गए हैं। इसमें यह देखा जाता है कि सर्विसेज जो दी जा रही है पूरा अस्पताल एक मानक के आधार पर चले, ताकि उच्च कोटि की गुणवत्ता लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम यह देखने आए हैं कि इनके जो 12 डिपार्टमेंट हैं वो अपने में परिपूर्ण हैं कि नहीं। गुणवत्तापूर्वक सेवाएं देने के लिए यह 2 सदस्यीय टीम लगातार 3 दिनों तक हर एक बिंदुओं पर गहनतापूर्वक जांच करेगी। अगर इनके निरीक्षण में इनको 70 से ज़्यादा नंबर मिलता है तो भारत के विभिन्न कोने से नेशनल लेवल के 2 एसेसर्स जांच के लिए आएंगे और उनके निरीक्षण में बिना किसी गड़बड़ी के अगर इन्हें 70 से ज़्यादा अंक मिले तो इनको नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इंसेंटिव मनी भी मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से जांच करने आई डॉक्टर सुलभा स्वरूप ने कहा, खराब स्थिति होती है फार्मेसी की, वो लोग नहीं बैठक जो है पूरे चिकित्सालय के जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर के क्वालिटी अश्योरेंस के पैरामीटर्स पर असेसमेंट के संदर्भ में थी। भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम क्वालिटी का रखा गया है, इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे स्टेट में, पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, सभी चिकित्सालय इससे कवर किए गए हैं, ठीक है। और इसमें ये देखा जाता है कि सर्विसेज जो दी जा रही हैं और चिकित्सालय संपूर्ण चिकित्सालय मय सर्विसेज के ये एक क्वालिटी को मानक के आधार पर चले, सभी चीज़ें मानकीकृत हो, ताकि उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्वक सेवाएं प्रजा को मिल सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य से हम ये देखने आए हैं कि इनके जो 12 डिपार्टमेंट हैं इस चिकित्सालय के वो अपने में परिपूर्ण है कि नहीं गुणवत्तापूर्वक सेवाएं देने के लिए, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इनके पास में संसाधन, औजार, उपकरण ये सब व्यवस्थित हैं, जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति इनकी हो रही है, औषधियों की पूर्ति बराबर हो रही है, ऐसा तो नहीं कि सेवाएं तो निशुल्क हैं सारी राज्य भर में और मरीज से बाहर से मंगाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग चेक करेंगे, इनको जो है एक मानक हम लोग लेके चलते हैं, चेकलिस्ट लेके चलते हैं, उसमें 12 डिपार्टमेंट का समावेश होता है और उसमें 12 डिपार्टमेंट से संबंधित सभी चीज़ें होती हैं जो सेवाएं देने के लिए आवश्यक है। तो वो सब हम चेक करते हुए देखते हैं, उनके ऊपर नंबर देते हैं, ठीक है, और वो जो कमी होती है वो इनको बताते हैं। 3 दिन का होता है ये असेसमेंट, तीसरे दिन हम उनको ये बताते हैं कि आपके यहाँ जो मेजर गैप्स हैं
जिसको आप तुरंत ठीक कर सकते हैं वो ये है। बाकी जो छोटे छोटे जो भी गैप्स हैं या कुछ गैप्स ऐसे हैं जो जिला स्वास्थ्य समिति के पास ले जाने की ज़रूरत पड़े, कुछ ऐसे हैं जो राज्य स्तर पर निपटाने के लिए भेजने की ज़रूरत पड़े, तो वो सब हम उनको बताते हैं और उस हिसाब से वो अपने चिकित्सालय को सुधार करते हैं। अगर हमारे उसमें 100 में से इनको 70% या उससे ऊपर नंबर मिलते हैं, पहली बात तो इन्होंने जो अपना खुद का असेसमेंट किया था और जिले स्तर पर असेसमेंट हुआ था उसमें इनको 70% से ऊपर नंबर मिले, इनको 90% नंबर मिले। अब हम ये चेक करने आए कि हमारे असेसमेंट में कितने मिलते हैं। अगर 70% या 70 जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा मिलते हैं, 70% या उससे ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर नेशनल लेवल असेसर्स आएंगे भारत के विभिन्न कोनों से, एक्सपर्ट्स को प्रशिक्षण देके नेशनल असेसर्स बनाया गया है। हम लोग राज्य स्तरीय असेसर भी है। आज मैं और डॉक्टर अजय त्रिपाठी आए और हम लोग नेशनल लेवल असेसर भी हैं और राज्य स्तरीय असेसर भी हैं। ठीक है, तो जब हमारे असेसमेंट पे जो स्टेट लेवल का असेसमेंट इस समय हो रहा है उसमें इनको 70% या उससे अधिक नंबर जब मिलेंगे तो ये नेशनल लेवल असेसमेंट के लिए जाएगा और भारत के किसी भी कोने से 2 असेसर्स आएंगे और वो असेसमेंट करके अगर उनको 70% से उनके उसमें भी मिल जाते हैं बिना किसी कंडीशनलिटी के कि 70% तो ज़्यादा मिल गए इनको, लेकिन कंडीशनलिटी ये कि ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अगर ये 6 महीने के अंदर पूरा करते तो इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो क्वालिटी अश्योरेंस का सर्टिफिकेट जो है नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस सर्टिफिकेशन ये इनको मिल जाएगा अगर ये स्कोर करेंगे तो, और उसके साथ ही इनको इंसेंटिव मनी भी मिलेगी, प्रति फंक्शनल बेड 10,000 देने का प्राविधान भारत सरकार में है। तो इस तरह से जब इनके पास में इनके जो फंक्शनल बेड्स हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी धनराशि आएगी वो अच्छी खासी धनराशि होती, उसका 75% यह चिकित्सालय को सुधारने में और सुधारने में खर्च करेंगे और जो 25% है वो अपने स्टाफ के बेनिफिट के लिए खर्च करेंगे। स्टाफ अस्पताल में रहता है, स्टाफ रूम रहता है, ड्राइवर्स का रूम रहता है, रैन बसेरा रहता है, तो ये स्टाफ के बेनिफिट में खर्च करेंगे कि कैसे ये अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हुए अच्छी सर्विसेज दें।